हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा फेस्टिवल में बिज़ी थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। तो बस इसीलिए अब कोशिश करूँगी मैं कि अब से मैं रेगुलर पोस्ट करूँ। तो खैर, जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आप क्या करते हैं जब आपका मूड ख़राब होता है। वो मैंने तो ये नायका से कुछ ऑर्डर किया अपने लिए जब मेरा मूड ख़राब था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ मैंने जो ख़रीदा है। लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आइटम से। और सबसे पहले मैंने लिया है ये नायका वंडरलस्ट का बॉडी मिस्ट, इसका नाम है कंट्री रोज। ये ऐसा कुछ दिखता है, 200 ml का बॉटल है और ये मुझे 350 का पड़ा है। इससे पहले भी मेरे पास वंडरलस्ट की एक रेंज थी जिसका नाम था सिलीसियन स्वीट पी। ये वाला आप देख रहे हैं, ये बॉटल बिल्कुल खाली हो चुकी है और ये मेरी दूसरी बॉटल है जो मैंने ख़त्म की है। पर मैं अपना फ्रेग्रेंस चेंज करना चाहती थी तो इस बार मैंने रोज़ ऑर्डर किया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है और घर के बाकी लोगों को भी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोजेज़ लगा के आप घूम रहे हो, बट ये स्टे कम करता है 3 to 4 hours मैक्सिमम। बॉडी मिस्ट है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, 350 rupees में बहुत अच्छा। अब बात मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की। आप सब अब तक जान गए होंगे कि मुझे काजल बहुत पसंद है और दुनिया जहाँ के काजल मैं ट्राई करती रहती हूँ। मैंने ब्लू हेवन कभी ट्राई नहीं किया, इस बार मैंने ये ब्लू हेवन का काजल मंगा के देखा है। मुझे नहीं पता ये कैसे होते हैं ब्लू हेवन के प्रोडक्ट, इस पर 90 rupees लिखा है लेकिन ये मुझे 80 rupees का पड़ा। चलिए आप ही के सामने मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि ये कैसा है और मैं यूज़ करने के बाद इसको बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास बहुत काजल हैं और काजल ख़त्म नहीं होता उससे पहले मैं काजल खरीदती हूँ, तो मैं ये वाह, नॉट बैड 80 rupees में डेली यूज़ के लिए ये काजल मुझे अभी तो ठीक लगा। बाकी मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं। अब नेक्स्ट आइटम बहुत ही बेसिक आइटम है मेरे पास, ये ट्यूलिप ब्रांड का ईयरबड्स। ये ईयरबड्स मुझे मेकअप को रिमूव करने के लिए, कुछ हटाने के लिए या आईलैशेस जब हम लगाते हैं तो हमारी आईज़ में जो थोड़ा पानी आ जाता है उसको क्लीन करने के लिए या कुछ भी और छोटा मोटा क्लीन करने के लिए मुझे मेकअप में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मस्ट हैव है, आपके पास भी होना चाहिए। ये 33 rupees लिखा, आई थिंक मुझे ये 30 rupees का पड़ा। सेम इसी ब्रांड का एक मैंने ये कॉटन पैड्स भी खरीदे हैं जो मेकअप रिमूवर के लिए मुझे ज़रूरत होती है मेकअप रिमूव करने के लिए, और ये भी मस्ट हैव है, बेसिक आइटम, नथिंग कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। सो अब नेक्स्ट आइटम है ये स्विस ब्यूटी का गोल्ड सिरम। मैं सिरम को अपनी फाउंडेशन में लगा के मिक्स करके लगाना बहुत पसंद करती हूँ। वैसे भी मैं लगाती हूँ बॉडी स्विस ब्यूटी का एक सिरम, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए इनका दूसरा एक गोल्ड सिरम। तो ये है और ये है प्रोडक्ट, ये आई थिंक 350 का मुझे, हाँ 399 इसका MRP है, पर ये मुझे डिस्काउंट में 350 का मिला था। अगर आप भी कोई सिरम यूज़ करना चाहते हैं तो स्विस ब्यूटी के दोनों सिरम, ये वाला भी और एक और इनका गोल्ड सिरम आता है, वो दोनों ही बहुत अच्छे सिरम हैं, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अब लास्ट आइटम हम बात करेंगे ये इनसाइड के छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर। मुझे छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स छोटे फेस के एरियाज़ के लिए, आइज़ के नीचे के लिए या नोज़ के पास के लिए मुझे चाहिए होते हैं, तो ये मैंने ख़रीदे हैं छोटू छोटू से एकदम। ये देख सकते हैं आप, ये तो नॉर्मल शेप है आपका और ये वाला ऐसे यहाँ से फ्लैट टाइप का है, सो दैट आपकी ये वाला जगह पर आप उसको वो कर सकते हैं स्पंज से, और एक ये स्मॉल एरियाज़ के लिए ऐसे वाला, बहुत छोटे छोटे से हैं। ये 170 का था बट मुझे 150 का मिला है डिस्काउंट के बाद। तो ये था मेरा नायका हॉल, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक बाय।